हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल धनंजय राइडर ब्लॉग्स पे। और आज मैं एक एक्सेसरीज दिखाने जा रहा हूँ जो कि मतलब गोप्रो में ही लगता है जब आप हेलमेट में माउंट करते हैं। मतलब हेलमेट के साथ गोप्रो को जो सेट करने के लिए एक सामान चाहिए वो हो गया TRRS। उसके बिना ये गोप्रो और जो माइक का जो कनेक्शन है वो सही तरीके से नहीं बैठता है, तो इसलिए मैं TRS का एक है ऐसा क्वालिटी दिखाने जा रहा हूँ। बहुत ही अच्छा लगा मुझे भी, और ये क्वालिटी है ये वाला। और इसका जो शॉपिंग लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बार में दे दूंगा, आप वहाँ से भी शॉपिंग कर सकते हैं। इसका खास ये है कि दोस्तों देखो, इसका जो लंबाई है करीब 1 फीट का है, और इसका जो माथा में जो है ये मेटल, एकदम ये मेटल आपको दिखाई दे रहा है, और इधर से भी मेटल दिखाई दे रहा है, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है मुझे ये दिखने में। और इसका जो कीमत है लगभग 600 का आता है। और इसका जो सेटअप है मैं यहाँ पे सेट करने जा रहा हूँ। पहले का जो मेरा TRS था जो GoPro के साथ लगता था, उसका जो मॉडल था एक इतना अच्छा छोटा सा आता था, तो वो वाला नहीं है। अभी ये वाला के साथ GoPro के साथ कनेक्ट होगा। यहाँ पे जो मीडिया मोड में जो 3.5 mm जैक है वहाँ पे घुसेगा ये वाला, और यहाँ से फीमेल वाला ये हेलमेट के अंदर मैं डाल दूंगा, ताकि जो मेरा माइक है मेरा माइक का सेट है इसके अंदर मैं कर लूँगा अगेन फिर से। जो आगे का माइक सेट है उसको निकाल के मैं दूसरा माइक सेट कर लूँगा। आप वीडियो में बने रहे। सबसे पहले मैं इसको खोल लेता हूँ, क्योंकि जो आगे का जो मेरा माइक लगा हुआ है उसको एक बार निकालना पड़ेगा। जब तक मैं उसको नहीं निकालूँ तब तो मैं दूसरा वाला सेट नहीं कर सकता, कि ये TRS के साथ वो अलग से आएगा, और आगे का जो माइक्रोफोन है वो अलग थोड़ा अलग से है, इसलिए इसको निकालना जरूरी। पहले यहाँ से खोलना पड़ेगा मुझे इस एरिया से। डाई वाला मैं डाई तरफ रख दिया, और बाएं वाला को मैं फिलहाल बाएं तरफ रख रहा हूँ ताकि मुझे भी याद रहे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा फिट करने में। तो ये जो माइक का है ये वाला है, जो माइक आगे का था इसको मैंने निकाल दिया। यहाँ से मैंने कुछ वायरिंग टाइप का कर दिया था, जो इसको यहाँ से निकालना पड़ेगा। राइट, को यहाँ से निकाल लेता हूँ एक बार। हाँ, ये निकल गया है। सेलेक्ट में बाद में भी लगा सकूँगा, ब्लैक सेलेक्टिव, तो ब्लैक सेलेक्टिव शायद मेरे घर में ही होगा, बाद में देख लेता हूँ। इसको कर देता हूँ अभी साइड, और इस जगह में सेटअप करना है इसको TRS को। कैसे सेट करना है मुझे भी अच्छे से बैठ के काम करना पड़ेगा, नहीं तो मुझे भी समझ में नहीं आएगा कि कहाँ से क्या घुसाना है, क्योंकि ये इतना सारा है ना। तो ये वाला भी मुझे खोलना पड़ेगा एक पार्ट। ये वाला कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट भी मुझे खोलना पड़ेगा। खुलेगा कि नहीं खुलेगा ये भी तो डाउट है रे भाई। यहाँ से इसको खोलना पड़ता है, ये खोल दिया मैंने पूरा पार्ट को ही। कैसा होगा देखा जाएगा जो भी हो। ये वाला हेलमेट का ये अंदर का नज़ारा है, कुछ इस तरह हुआ है। और यहाँ पे सेट बैठेगा मेरा माइक के साथ TRS का भी। तो मैं खुद फिटिंग करने में ना एक बाला तो जैसे तैसे हो गया, अब सेकेंड बाला बाकी है। और दोस्तों इसका जो सेटअप है ना मैंने कुछ इस तरह से किया है, ये यहाँ पे माइक और ये TRS का मैंने कनेक्शन कर दिया अंदर में। इसके जो वायरिंग है यहाँ से करके ये डायरेक्ट GoPro में घुस गया, ये TRS का जो माथा है यह घुस गया GoPro में, और इसके बाद यह सेलो ट्यूब लगा दिया, और अंदर में भी सेलो ट्यूब से पूरा फिट कर दिया। मतलब ये हो चुका है अभी ब्लॉगिंग का सेटअप। तो एक बार मैं राइड करके भी देख के आता हूँ कैसा ये रहेगा, यार लेते कि नहीं था आफ्टर 80 फिट के बाद। हेलमेट का TRS मतलब मीडिया मोड का जो TRS है वो कनेक्ट करने के बाद कुछ इस तरह से लग रहा है हेलमेट में, काफ़ी अच्छा लगता है इस हेलमेट में। और हेलमेट काफ़ी बढ़िया है, ये वाला जो हेलमेट है ना सिर्फ ब्लॉगिंग के लिए आता है, तो बहुत ही बढ़िया हेलमेट है। और अभी मैं एक बार बाइक से राउंड मार के आता हूँ, तो चलिए मेरे साथ। एक्चुअली मैं अभी जा रहा हूँ, लगभग 1:30 बज रहा है। देखो राउंड मार गया तो कि क्वालिटी कैसा आ रहा है ना। तो 70 है, 70 में यार ले रहा कि नहीं ले रहा मुझे नहीं पता, बस अभी देख रहा हूँ। 87 है, 105 है। जस्ट मैं ये चेक कर रहा हूँ कि मतलब स्पीड में कैसा ये काम कर रहा है, ये तो बहुत दिक्कत होता है। अभी शॉक स्पीड में है 97, बस यहाँ से मैं टर्न करूँगा और एक बार मैं देख लेता हूँ। इसका क्वालिटी कैसा आ रहा है वो आप कमेंट में बता दीजिएगा।
नहीं पता चल रहा है। 92 में है अभी। आप सब जैसे कि जानते हैं कि मेरा जो ब्लॉग्स है वो छोटे छोटे भाई जो है वो यूट्यूब में देखता है, सर्च करता है और उन लोगों की वजह से भी मेरा यूट्यूब चैनल ग्रो हो रहा है। तो मैंने सोचा कि जब मेरा नेक्स्ट ब्लॉग्स आएगा मैं उसमें हल्का सा एक मिनट का थोड़ा मोटिवेशनल दूंगा ताकि जो छोटे छोटे भाई वीडियो देख रहे हैं तो उनको भी कुछ सीखने को मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लाइक।